नमस्कार, हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, द जैपनीज आर्ट ऑफ डिक्लेयर्ड थिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। यह बुक मैरी कॉन्डो ने लिखी है, जो कि एक प्रोफेशनल जैपनीज ऑर्गेनाइजर और कंसल्टेंट के साथ एक ऑथर और टीवी प्रेजेंटर भी हैं। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी चीजों की और अपने घर की सफाई कर सकते हैं। जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं तो उसका असर आपके दिमाग पर भी होता है। जब आप अपनी सारी चीजों की सफाई कर लेते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इससे आपके मन और बॉडी दोनों पर ही असर होता है। सफाई एक ऐसी चीज है जो हमें कोई सिखाता नहीं, ना ही स्कूल में और ना ही हमारे घर पर अक्सर हमें हमारी चीजें या कमरा साफ न रखने पर डांट जरूर पड़ती है। यह हमें अपने आप ही सीखना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो लोग बहुत टाइम से साफ सफाई कर रहे हों वो बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। मैरी कॉन्डो कहती हैं कि कई सारे हाउसवाइफ जो बहुत सालों से सफाई कर रही हैं, उनके मुकाबले जिन्होंने मेरा कोर्स किया है वो लोग बेहतर तरीके से सफाई करते हैं। अगर आप ठीक से सफाई करना चाहते हो तो पहले डीक्लटर से शुरू कीजिए और फिर एक एक चीज एक ही बार में ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर आप इस कॉन मैरी मेथड को यूज करते हैं तो आपको जिंदगी में फिर कभी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आखिर कॉन मैरी में ऐसा क्या खास है? कॉन मैरी मेथड क्यों लोगों को बदल देती है? यह सवाल इस पुस्तक में विस्तार से परिचित किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से जब आप अपने घर को सुधारते हैं तो आप अपने काम और अपने फ्यूचर को भी सुधारते हैं। कॉन मैरी कोर्स के ग्रेजुएट्स कैसे कमाल कर रहे हैं? आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है? कॉन मैरी मेथड एक मेंटेलिटी का माध्यम है जो अरेंजमेंट और अवेयरनेस पैदा करता है। यहाँ तक कि एक 6.5 साल का बच्चा भी इसे कर सकता है, लेकिन आप और मुझ जैसे बहुत से लोग नहीं कर पाते। जब हम इसे एक टेक्निक के रूप में नहीं बल्कि एक मेंटेलिटी के रूप में समझते हैं तो हम इसे और अच्छे से कर पाते हैं। और क्या कॉन मैरी विधि क्यों सफल होती है? क्यों आधे से अधिक लोग इसे वापस नहीं करते? अरेंजमेंट और साफ सफाई की दौड़ में बहुत से लोग परफेक्शन की खोज में खींच जाते हैं और उसे धीरे धीरे सफाई करके हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह पर्सपेक्टिव अक्सर उन व्यक्तियों के लिए असफल साबित होता है। हर दिन एक आइटम को छोड़ने की विचारधारा प्रैक्टिकल लग सकती है, परंतु जो लोग अपना हर काम आखिरी मोमेंट पर करते हैं उनके लिए यह तरीका काम नहीं करता। और ऐसा होता भी है कि आप हर रोज एक चीज हटा रहे हो और 4 नई चीजें ला रहे हो। परफेक्शन के खिंचाव में उसकी शक्ति निहित होती है, जो भरे हुए स्थानों के लिए एक ताजा शुरुआत और रीसेट देती है। तनाव या दबाव के पलों में साफ सफाई करने की प्रवृत्ति एक इनर साइकोलॉजिकल जरूरत को दर्शाता है। हालांकि साफ सफाई से मिली राहत अक्सर टेम्परेरी होती है, जन्मजात चिंताओं को छिपा देने की बजाय उन्हें संबोधित करने की। एक्चुअल साफ सफाई उन आंतरिक मुद्दों का सामना करने के लिए और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी होती है। स्टोरेज सॉल्यूशंस से साफ सफाई की समस्याओं को हल किया जा सकता है, यह एक बहुत बड़ा मिथ है। मानो कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज सॉल्यूशन है जो कि एकदम ही खाली है। अब अगर आप घर में कोई नई चीज लाते हो तो स्वाभाविक रूप से आप सामने रखे खाली स्टोरेज सॉल्यूशन में ही रखोगे। ऐसे धीरे धीरे करके आप उसमें हर रोज कुछ न कुछ रखते जाओगे। ऐसे सारा स्टोरेज भर जाएगा और वो भी बेकार की चीजों से, जिससे एक और स्टोरेज सॉल्यूशन की जरूरत महसूस होगी। सफाई में सफलता की चाबी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह रखने की बजाय उसे सीरीज के अनुसार अरेंज करने में है। यह अप्रोच लोगों को अपनी चीजों को व्यापक रूप से समझने में मदद करता है और किसे रखें और किसे छोड़ें के बारे में और अच्छे से डिसीजन लेने में मदद करता है। अपनी चीजों को पूरी तरह से
ठीक से देखकर लोगों को साफ सफाई के चक्कर से छुटकारा मिलता है और वास्तव में एक साफ सफाई युक्त जीवन हासिल होता है। वर्षों की खोज के बाद यह साबित हुआ है कि सामान को टाइडिंग करने के समय लोगों को तीन प्रकार में बांटा जा सकता है। एक जो चीजों को छोड़ने में स्ट्रगल करते हैं, दूसरे वो जो चीजों को वापस रखने में स्ट्रगल करते हैं, और तीसरे वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। लोगों के प्रकार के बावजूद सफल टाइडिंग की चाबी यूज करने से पहले वस्तुओं को छोड़ने में होती है। टाइडिंग को एक विशेष घटना के रूप में नहीं बल्कि दैनिक काम के रूप में देखा जाना चाहिए। घर को एक बार ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको एक स्वच्छ और ऑर्गेनाइज्ड स्थान मिल सकता है। डेली टाइडिंग को एक सरल आदत बना लेना चाहिए। इस प्रोसेस में हर चीज की जांच की जाती है यह तय करने के लिए कि इसे रखना है या छोड़ना है, और जो रखा जाता है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद एक सही स्थिति में एक्सपोज होने का प्रभाव सेल्फ अवेयरनेस और बिहेवियर को परिवर्तित करता है, जारी टाइडिंग की जरूरत को खत्म करता है। इस तरह व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में आनंद और संतोष का जीवन जी सकता है। लंबे समय तक सफाई रखने के लिए अरेंजमेंट करने से पहले डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे साफ सफाई करने से अक्सर समय के साथ फिर से कचरा बढ़ने की प्रॉब्लम पैदा होती है, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक बार में तेजी से सभी को साफ करें जिससे कचरा कम अट्रैक्टिव हो जाए। यह प्रोसेस तेज और फुर्तीली होनी चाहिए थकान को दूर करने के लिए। इस स्टेज की सफाई प्राप्त करने में आमतौर पर 6 महीने लगते हैं। सही क्रम का पालन करना जरूरी है। चीजों को रखने से पहले उनकी सही जगह डिसाइड करनी चाहिए। ऐसा न करने पर साफ सफाई अधूरी हो जाती है और फिर से कचरा भर जाता है। एक बार जगह डिसाइड करने के बाद फिर स्टोरेज सॉल्यूशन का विचार करना चाहिए। शुरुआत करने से पहले आपने जैसी लाइफस्टाइल इमेजिन की है उसे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। यह क्लियर गोल और उद्देश्य को एस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करता है। आप सफाई क्यों करना चाहते हो और उससे आपको क्या मिलेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। कचरे को अलग करते वक्त यह जाने कि आपको उससे क्या खुशी मिलती है या नहीं। हर एक चीज को देखो और उसका इमोशनल इम्पैक्ट देखो, ना कि रूल्स को फॉलो करो। आपका गोल वही चीज रखने का होना चाहिए जो आपको अंदर से खुशी देती है, और कचरे से ध्यान हटाना है। जो चीजें हमारे काम की नहीं है उन चीजों को छोड़कर आप अपने लिविंग स्पेस को रीसेट कर सकते हो और खुशनुमा लाइफस्टाइल अपना सकते हो। यह मेथड आपको एक्चुअल में क्या जरूरी है और क्या छोड़ने लायक है उस पर फोकस करने में हेल्प करेगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस न केवल फिजिकल स्पेस को साफ करती है बल्कि जिंदगी में भी क्लैरिटी और खुशी देती है। अगर आप किसी अस्त व्यस्त घर में पहुंचते हैं जहां साफ सफाई का विचार बहुत मुश्किल लगता हो, तो कॉन मैरी मेथड एक जादू की तरह काम करता है। पहले कपड़े, फिर किताबें, कागजात, चीजें और अंत में यादगार चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले आसान वस्त्रों से शुरू करें, जैसे कि बाहरी मौसम के कपड़े, और हर वस्त्र पर खुशी की किरण है या नहीं इसे जांचें। सभी कपड़े एक ही जगह पर इकट्ठा करें, छिपी हुई जगहों से भी। फिर हर वस्त्र के बारे में डिसीजन लें, जो खुशी लाता है सिर्फ वही रखें। अब स्टोरेज पर चलते हैं। सब कुछ हैंगर पर टांगने की जगह कपड़ों को फोल्ड करें। यह न सिर्फ जगह बचाता है बल्कि आपका कपड़ों के प्रति रिश्ता भी गहरा बनाता है। यह सिर्फ कपड़ों को छोटा नहीं करता बल्कि यह उनके रोल को थैंक यू कहने का एक तरीका भी है। जैसे हम हमारे ट्रेडिशनल कपड़े हमेशा ड्रॉअर में फोल्ड करके रखते हैं, वैसे ही रखें। लॉन्ज वियर को कैसे भूल सकते हैं? जो कपड़े आपको घर पर पहनना अच्छा नहीं लगता वो सिर्फ कचरा है। वही कपड़े रखें जो आपको पहनना अच्छा लगता हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। इसी तरह आप बाकी चीजों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आप न सिर्फ एक साफ घर बनाएंगे बल्कि अपने सेल्फ डाउट को भी समझेंगे।
मैरी कॉन्डो कहती हैं कि जब मैं मेरे ग्राहकों की मदद करती हूँ उनके घर को साफ सुथरा करने में, तो मैं दो चीजों का अक्सर आश्चर्य अनुभव करती हूँ, बेमिसाल कपड़े और भारी मात्रा में सामान। पहला हर बार होता है और दूसरा अलग अलग तरह की चीजें। यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो एक गायक द्वारा उपयोग की गई हूँ, या खाना पकाने के शौकीन किसी के नवीनतम रसोई उपकरण। हर दिन अनजान लोगों के साथ रोमांचक अनुभव मिलते हैं, लेकिन वास्तविक आश्चर्य तब होता है जब मुझे किसी साधारण कपड़ों के विशाल भंडार के बारे में पता चलता है जो आप किसी भी घर में पाएंगे। लेखिका कहती हैं कि कई बार मेरे ग्राहकों के घर में आधे सौ से ज्यादा टूथब्रशेस या 30 प्लास्टिक किचन बॉक्स रैप किए हुए मिले हैं। ये सभी आश्चर्यजनक होते हैं। ग्राहक को कैसे पता चलता है कि वो वास्तव में कितनी चीजें रखता है? वो इसे अच्छी तरह से संचालित कैसे कर लेते हैं? यह विचार दिलचस्प है। इस प्रोसेस से हम अपनी वस्तुओं के साथ अपने संबंधों को फिर से प्रेरित कर सकते हैं। यही जादू है जो एक जीवंत और खुशहाल जीवन बनाता है। अपने सामान को निर्धारित स्थान पर रखना न केवल आपके व्यवस्थित जगह को साफ रखता है, बल्कि जीवन को भी सुविधा प्रदान करता है। सोचिए, काम से घर वापस आने पर 5 मिनट के भीतर हर चीज अपने स्थान पर वापस होती है, जिससे आप शाम को आराम से बिता सकते हैं। यह एक परफेक्ट लाइफस्टाइल का दिखावा नहीं है, बल्कि हर चीज के लिए एक जगह रखने की शक्ति को दिखाने की कोशिश है। हर चीज के लिए एक जगह निर्धारित करना अरेंजमेंट करने को सरल बनाता है। यह समझने के लिए कि क्या रखें और क्या छोड़ दें से आसान है, और इससे अरेंजमेंट में वापस घुसने से बचाता है। हर चीज को अपना घर मिलना चाहिए, अन्यथा आपका स्थल जल्दी ही व्यभिचारित हो जाएगा। मूल रूप से पहले हटाइए, फिर स्टोर कीजिए। सिर्फ वही रखें जो आनंद देती है। यह सामग्रियों को एक सुरक्षित मात्रा में घटित करता है जो आपके स्थल में पूर्ण रूप से फिट होती हैं। जब बात स्टोरेज की आती है तो सरलता ही मुख्य है। जटिल स्टोरेज डिजाइन अक्सर अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं होते। उदाहरण के लिए, एक टर्न टेबल को स्टोरेज में बदलना बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन जब बोतलें गिरती रहीं, तब समझ में आया कि सरलता ही सबसे अच्छा है। क्लटर से बचने के लिए वस्तुओं को प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करें और उन्हें एक ही स्थान पर रखें। चाहे आप अकेले रहें या परिवार के साथ, हर व्यक्ति के लिए विशेष स्टोरेज क्षेत्र का निर्धारण करें। स्टोरेज को बिखेरने की जगह हर व्यक्ति के लिए एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। फ्लो प्लानिंग या उपयोग की आवृत्ति को भूल जाइए। चीजों को रखना आसान बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ नहीं आता कि कुछ कहाँ रखें, तो अपने घर से पूछें। इन सरल सिद्धांतों का पालन करने से सफाई करना आसान हो जाता है और क्लटर दूर हो जाता है। तो स्टोरेज में अंतिम सरलता का लक्ष्य रखें। यह फैंसी डिजाइन के बारे में नहीं है, बल्कि व्यवहारिकता और उपयोग की सरलता के बारे में है। खुद पर भरोसा करें, आपका घर आपका आभारी रहेगा। मैरी कॉन्डो ने अपने कपड़े आदि को सही रूप से रखने के तरीकों को अन्वेषित किया है, साथ ही अपने संपत्ति का मूल्य मानने की महत्ता पर जोर दिया है। प्रारंभ में उन्होंने बौने और अवसानीय आइटमों के साथ बैग भरने की कोशिश की, लेकिन यह असुविधाजनक पाया गया। अंत में उन्होंने बैगों को एक दूसरे के अंदर रखने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण है कि बैग को प्रकार और चीजों के अनुसार मिलाया जाए, जिससे आपको जो चाहिए आसानी से मिल सके। लेखक सलाह देते हैं कि बैग को रोजाना खाली करके बचाव करें, ताकि कचरा ना हो और आइटम भूल न जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हाईली विजुअल इन्फॉर्मेशन से रहित संग्रहण स्थलों को शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की जरूरत है। वस्त्र आदि को ध्यान से नापने से उनकी उम्र बढ़ती है और उपयोगिता में सुधार हो सकता है। आखिरकार, स्टोरेज प्रोसेस एक पवित्र दायित्व है जो सुनिश्चित करता है कि संपत्तियों का एक घर हो जहाँ वे आराम कर सकते हैं और अपने मालिक के जीवन का समर्थन कर सकते हैं।
मैरी कोंडो ने अपने बचपन के अनुभवों और स्वीकृति की इच्छा से प्रभावित यंग एज में ही साफ सफाई में रुचि पाई। साफ सफाई के माध्यम से उन्होंने केवल एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि निर्णय लेने और सेल्फ एक्सेप्टेंस में भी विश्वास पाया। अपने बचपन को दोबारा याद करते समय उन्होंने यह अनुभव किया कि उनकी साफ सफाई में रुचि का मेन रीजन उनके व्यस्त माता पिता के लिए तंगी से बचना और स्वीकृति की इच्छा थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की शुरुआत में कठिनाई का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने वस्तुओं और आसपास के माहौल में सुकून और प्रशंसा को ढूंढा जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करते थे। अपनी जर्नी को भागीदार बनाकर और दूसरों की साफ सफाई में मदद करके मैरी कोंडो का गोल लोगों को उनके आसपास के माहौल में आत्मविश्वास और खुशी पाने में मदद करना है, सेल्फ वर्थ और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देना है। साफ सफाई की जादुई शक्ति के माध्यम से लोगों को अपने इंटरेस्ट खोजने, कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेने और अपने को पूरी तरह से ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। लोगों को अपने पास्ट से अटैचमेंट या फ्यूचर की चिंता हो सकती है, जो आनंद नहीं पैदा करता उसे छोड़ दें। यदि आपने इस टेक्निक को थोड़ा भी अपनाया तो आपने अब तक जान लिया होगा कि खुश रहना इतना कठिन नहीं है। आप उसे छूते ही उसका उत्तर जान जाते हैं। कुछ छोड़ने का निर्णय लेना अधिक कठिन होता है। हम इसे छोड़ने के लिए बहाने बनाते हैं, जैसे कि मैं इस खास बर्तन का पूरा साल इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन कौन जाने कभी कभी काम आ सकता है, या उस नेकलेस को मेरे प्रेमी ने मुझे दिया था, यह मुझे उस वक्त बहुत पसंद था। लेकिन वास्तव में हम किसी चीज को नहीं छोड़ पाने के पीछे केवल दो कारण देते हैं। पहला, अतीत की अटैचमेंट या भविष्य के लिए भय। डिसाइड करने के प्रोसेस के दौरान यदि आप किसी चीज के साथ आनंद नहीं महसूस करते हैं लेकिन आप उसे फेंकने के लिए खुद को मना नहीं पा रहे हैं, तो एक क्षण रुकें और खुद से पूछें, क्या मुझे इसे छोड़ने में तकलीफ हो रही है क्योंकि अतीत की अटैचमेंट है या क्योंकि भविष्य के लिए डर है। इस प्रश्न को हर ऐसी चीज के लिए पूछें। ऐसा करते हुए आप अपनी वस्तुओं को ओनरशिप में एक पैटर्न देखेंगे जो तीन सीरीज में आता है। पहला, अतीत के लिए अटैचमेंट, दूसरा भविष्य में स्थिरता की इच्छा, या तीसरा दोनों का संयोजन। इस पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके जीवन के मार्गदर्शित मूल्यों की अभिव्यक्ति है। आप क्या वास्तव में अपने पास रखना चाहते हैं? वास्तव में यह सवाल है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। अतीत के प्रति अटैचमेंट और भविष्य के प्रति भय न केवल यह निर्णय लेने के तरीके को निर्धारित करते हैं जिससे आप अपनी चीजें चुनते हैं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में चुनाव करने के माइंडसेट को भी असर करते हैं, जैसे कि आपके लोगों के साथ आपका संबंध और आपका काम। जब आप तय करते हैं कि आपको क्या रखना है और क्या छोड़ना है, तो अपने आप से फिर से एक बार पूछिए, ये टी शर्ट, ये स्वेटर, क्या आप इन्हें सच में रखना चाहते हैं? इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या इसे रखना है या नहीं, इसीलिए आपने रख ली होंगी। उसे फिर से पूछ कर या तो हटा दीजिए या फिर अगर खुशी देते हैं तो रख लीजिए। जो चीज आपको खुशी देती है उसका निर्णय आमतौर पर आप तुरंत ले लेते हैं। उनका स्पर्श नरम होता है और आपकी आंखों में चमक होती है। जब आपको ऐसी कोई चीज मिलती है जो आपको खुशी नहीं देती, तो आपके हाथ ठहर जाते हैं, आप सिर झुकाते हैं और नुकसान खाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद आप उस चीज को रखे स्टैक में डाल देते हैं। उस समय आपके होठों के आसपास एक तंगाई होती है। एक औरत के प्यार में परिवर्तन भी उसके आसपास के लोगों में दिखाई देता है, जैसे उसके साथी से प्राप्त प्यार, प्यार का उस पर विश्वास और उसके लिए सुंदर दिखने के लिए किए गए प्रयास सभी उसे एनर्जी देते हैं। उसकी स्किन चमकती है, उसकी आंखें चमकती हैं और वो और भी खूबसूरत हो जाती है। इसी तरह उन कपड़ों में उसी देखभाल से प्यार किए जाने वाली चीजें जीवंत हो जाती हैं और उनके द्वारा उनके मालिक के साथ सेवा करने का वादा करती हैं।
तो ये थी द जैपनीज आर्ट ऑफ डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बुक, जिससे आप न सिर्फ अपने कमरे या घर को बल्कि अपने विचारों को भी डीक्लटर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आप भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने घर को और अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।